अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, सब अपनी किताब सदाबहार का सफा नंबर 43 खोलें। सफा नंबर 43 पर आज हम एक नज्म पढ़ेंगे जिस नज्म का नाम है छोटी सी जन्नत। नज्म पढ़ने से पहले आप इस सफ़े के दाएं तरफ आज की तारीख डालेंगे और बाएं तरफ आज का दिन लिखेंगे, ठीक है। नज्म का नाम है छोटी सी जन्नत। नाज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं और इस नाज़म के शायर कौन हैं? हर नाज़म के आखिर में शायर का नाम लिखा होता है और इस नाज़म के शायर हैं राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान ने नाज़म लिखी है छोटी सी जन्नत। चले हम मिलकर पढ़ते हैं। जहां शफाफ नदी बह रही है, जहां छोटी सी एक कश्ती खड़ी है। ये कहाँ पे, किस जगह, जहाँ ये किस जगह की बात कर रहा है? छोटी सी जन्नत की बात कर रहा है। और नीचे ये तस्वीर में इन्होंने एक छोटी सी जन्नत दिखाई भी है जहां पे नदी बह रही है और कश्ती भी खड़ी है। शफाफ का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट क्लीन। आपने यहाँ इस शफाफ को अंडरलाइन करें और कश्ती को भी अंडरलाइन करें। जहां सूरजमुखी का फूल उगा है। सूरजमुखी क्या, किसका नाम है? फूल का नाम है। यहाँ पे तस्वीर में इन्होंने दिखाया भी है सूरजमुखी का फूल। पहाड़ी पर जहां सारस खड़ा है। सारस एक आबी परिंदा होता है जिसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, ये सफेद रंग का। अंडरलाइन सूरजमुखी, अंडरलाइन सारस। जहां ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें। अंडरलाइन दरख्तों, अंडरलाइन कतारें। कतार हमने पहले भी पढ़ा था, कतारें क्या होता है? एक स्ट्रेट सीधी लाइन में जो खड़े होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधी लाइन में बहुत से दरख्त खड़े हैं और वो क्या दिखा रहे हैं? अपनी बहारें दिखा रहे हैं। बहार का तो आपको पता है, बहार के मौसम में सब्जा ही सब्जा होता है, फूल उगते हैं, नए पत्ते उगते हैं, तो वो भी अपनी बहार दिखा रहे हैं। जहां बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है। बूढ़ा सा कीकर एक दरख्त है और बूढ़ा मतलब बहुत पुराना। जहां झांपल का नन्ना घोंसला है। अंडरलाइन झांपल, झांपल एक स्याह रंग का परिंदा होता है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि उसका घोंसला भी है। जहां करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। अब वो क्या कह रहा है कि परियां भी यहां पर आती हैं और नदी में नहाकर वापस चली जाती हैं। और इस पिक्चर में आप परियां भी देख सकते हैं, ये देखें। इन अल्फाज को भी अंडरलाइन कर लें, बूढ़ा, कीकर, झांपल, घोंसला, परियां, नदी। दोबारा से देख लें हमने किन अल्फाज को अंडरलाइन किया है। शफाफ, कश्ती, सूरजमुखी, सारस, दरख्तों, कतारें, बहारें, बूढ़ा, अंडरलाइन बहारें, बहारें को भी अंडरलाइन करना है, कीकर, झांपल, घोंसला, परियां, नदी। इन अल्फाज को अंडरलाइन करना है और आपने इनको लिखना भी है ताकि ये आपको जुबानी लिखने आ जाएं। आज का आपका इतना ही सबक था, आपने इसकी बार बार पढ़ाई करनी है ताकि आपको ये नज़्म पढ़नी आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।